आज मैं आपको दुनिया भर में की जाने वाली असामान्य और विचित्र चिकित्सा पद्धति के बारे में बताऊंगा। सो वीडियो को पूरा जरूर देखना, जिसे देखने के बाद आप बोलोगे ओह माय गॉड। चलिए जानते हैं व्हेल मछली के सड़ते हुए शव के अंदर बैठना। जी हाँ, 19वीं शताब्दी के दौरान ऑस्ट्रेलिया में गठिया के लिए एक अत्याधुनिक उपचार पेश किया गया था। लोग मृत व्हेल के अंदर 30 घंटे तक रहे, क्योंकि उनका मानना था कि उन्हें एक साल के लिए कम से कम जोड़ों के दर्द से राहत मिल जाएगी। नंबर 2, ट्रेपनेशन। यह बहुत ही अद्भुत चिकित्सा पद्धति है। यह 7000 साल पहले प्रचलित था। शरीर से बुरी आत्माओं को बाहर निकालने के लिए चिकित्सक सिर में छेद कर देते थे। ट्रेपनेशन का प्रयोग माइग्रेन, मिर्गी और सिर की चोट जैसी हड्डी की चोट और खोपड़ी के फ्रैक्चर के इलाज के लिए भी किया जाता था। नंबर 3, लाश की दवाई। जी हाँ, चिकित्सा क्षेत्र में अंग और रक्त प्रत्यारोपण के आने से पहले लाश की दवा भी थी। शरीर के विभिन्न पार्टों और मृतकों के लिक्विड्स का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता था। यह माना जाता था कि रक्त और मम्मी दोनों के अवशेषों में रहस्यमय स्वास्थ्य शक्तियाँ होती है, जो रोगियों को बीमारियों से ठीक करने में मदद करती है। नंबर 4, मरकरी। मरकरी हालांकि अपने जहरीले गुणों के लिए जाना जाता था, लेकिन कई संस्कृतियों द्वारा घावों को ठीक करने और त्वचा की बीमारियों को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। यह 15वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी तक सिफिलिस रोगों के इलाज के रूप में प्रयोग किया जाता। अधिकांश चीनी रसायन शास्त्री मानते थे कि यह जीवन काल और जीवन शक्ति को बढ़ाता है। नंबर 5, डॉल्फिन थेरेपी। पेरू नामक देश में मध्ययुगीन काल के दौरान विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं पर डॉल्फिन थेरेपी का उपयोग किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि डॉल्फिन की उच्च आवृत्ति वाली आवाज़ों के कारण मां के गर्भ के अंदर बच्चे का मस्तिष्क उत्तेजित होता है और बच्चे की न्यूरोनल क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। वर्तमान समय में दिव्यांग बच्चों में इस चिकित्सा का उपयोग आज भी किया जा रहा है। नंबर 6, एपिथेरेपी। इस चिकित्सा का उपयोग हजारों वर्षों से किया जा रहा है। इसकी जड़ें प्राचीन मिस्र और चीन से है। लोग जोड़ों के दर्द, हेपेटाइटिस सी, तंत्रिका सूजन और रूमेटिक दर्द के इलाज के लिए मधुमक्खी उत्पादों और जहर का उपयोग करते हैं। आज भी इस थेरेपी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मगरमच्छ का गोबर। प्राचीन मिस्रवासी अवांछित गर्भधारण को रोकने के लिए मगरमच्छ के गोबर और शहद का इस्तेमाल करते थे। इसे खट्टे दूध के साथ मिलाकर एक पेस्ट बनाया जाता था। फिर इस मिश्रण को योनि में इस उम्मीद के साथ डाला जाता था कि स्पर्म के लिए एक एसिडिक अवरोध पैदा करेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आप इंस्टाग्राम पर हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।